अल्लाह के सब सभी लोग उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो गए तो फाइनली मैंने अब लेके आ गई हूँ अपना होम टूर तो बिफोर आफ्टर मुझे डालना था और मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आफ्टर आपका जो होम टूर है वो बताओ और बिफोर मैंने आपसे शेयर कर चुकी आफ्टर करना बाक ही था मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपना होम टूर करवाइए रीनोवेशन हुआ है कलर हुआ है उसके बाद तो यहाँ से हमारे घर की एंट्री होती है और ऊपर जो सीढ़ी आपको नज़र आ रही है ऊपर जाने की सीढ़ी है वहाँ हम रहते नहीं हैं तो मैं वहाँ का शेयर नहीं करूँगी और हाँ इससे पहले मैंने ना वीडियो पूरी मतलब होम टूर की पहले कैसा था मेरा घर तो उसकी भी मैंने आपसे पूरे होम टूर की वीडियो शेयर करी हूँ उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो ज़रूर चेक कर लेना तो ऊपर और उसमें कोई अलग बात हो जाती है इसमें कोई अलग बात हो जाती है कुछ अलग शेयर हो जाता है तो इस वजह से देख लेना और यहाँ पे एंट्री होती है हमारे घर की और ऊपर जो सीढ़ी है वो हमारे हमने रेंट पे दी है ऊपर लॉकडाउन की वजह से ऊपर कोई भी नहीं रह रहा है अब खाली है तो इस वजह से मैंने ऊपर का शेयर भी नहीं करी और ऊपर हम रहते भी नहीं तो यहाँ भी इस तरीके से कुछ है यहाँ पे हम कपड़े वगैरह भी सुखाते ऊपर इस तरीके का है कुछ कपड़े यहाँ सुखाते हैं हमारे पाइप वगैरह के पानी के पाइप्स वगैरह है और एक जिस फैन का ये बाहर निकले हुआ है और यहाँ कपड़े सूखते हैं और यहाँ पे भी पहले कैसा था अब कैसा हो गया माशा और यहाँ पे पानी का एक नल है जहाँ हम कभी कपड़े मतलब ऐसा एक एक आधा जोड़ा जो धोना होता है ईद का तो फिर इस वजह से वहाँ नल रखा है ताकि वो अगर धोना वो भी हमें हमारा बाहर का तो उससे धो सके यहाँ पे ना खिड़की थी तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ प्लास्टिक लगा के रखे हैं क्योंकि ओपन है वहाँ पे एसी थी तो एसी हटा दी है वहाँ से और यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन रखी हुई है और यहाँ से एंट्री होते ही यहाँ पे एक सीटिंग एरिया है और नीचे पानी की मोटर रखी हुई है और यहाँ पे आपको सिर्फ पर्दे ही पर्दे नजर आएंगे यहाँ तो आपको समझ में आ रहेगा बाहर ये जो रेड कलर मरून कलर का है वो पर्दा क्यों है तो मैं आपको आगे बताती हूँ यहाँ पे एक सीटिंग है जहाँ कोई भी आए तो यहाँ पे बैठ सके और ये वॉशिंग मशीन आपको नज़र आ रही होंगी इतनी पुरानी और इतनी गंदी तो ये जो मशीन जो पुरानी इसलिए नज़र आ रही होंगी क्योंकि ये ना पहले उस तरफ रखी रहती थी तो इस वजह से गंदी है वो और अच्छी खासी पूरी ड्रायर भी अच्छा है वॉशिंग मशीन कपड़े भी अच्छे धुलती तो इस वजह से हम हटाएं नहीं पर एक एक्स्ट्रा हमारे पास है एक्स्ट्रा नहीं है वो भी हम यूज़ में लेते हैं और यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं और यहाँ पे भी कपड़े सूखते हैं यहाँ पे फैन भी है तो कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं इस तरीके से पूरी रस्सी है ताकि हमारे कपड़े अच्छे से सूख जाए और पीछे साइड भी तीन रस्सी और लगा के रखे ताकि मतलब सूख जाए हमारे कपड़े यहाँ पे पर्दा है तो बस ये पर्दे है क्योंकि हम यहाँ बैठेंगे तो फिर कुछ आर पार दिखे ना और यहाँ पे भी सीटिंग का एक दिया गया है और ये जो पर्दा लगा हुआ है ना तो पर्दे के यहाँ पर जो कुर्सी नज़र आ रही है आपको तो वहाँ हम बैठते तो जो ऊपर जो अंकल लोग रहते हैं ना तो हम लोग ने जो घर जो ऊपर दिए ना तो फैमिली वालों को नहीं देते क्योंकि सीढ़ी डेंजर है बच्चों के लिए तो मेरी मम्मी का सब मानने है जो सिर्फ अंकल लोग रहते हैं ना जो काम के लिए गांव से आते हैं तो उन लोगों को दिया जाए ताकि उनके जो बच्चे अच्छे सब रहते नहीं है और दिन भर लॉक रहता है ज़्यादा ऊपर चलने वलने की आवाज़ नहीं आती तो इस वजह से और हमारे घर के सामने इतना माशाल्लाह खूबसूरत सा सीनरी है जो हम चौबीस घंटे इसको देखते रहते हैं बहुत प्यारा सा सीनरी है और ये हमारा रूम है और उसकी ए सी वहाँ लगी हुई है उसके पीछे का हिस्सा लगा हुआ है और इस तरीके से हमारा कुछ ए, सामने ये देखो इस तरीके से हम नज़ारा देखते हैं। और ये जो कुर्सी आपको नज़र आ रही है तो मेरे दादा की है और यहाँ फैन लगा हुआ है यहाँ बल्ब लगा है और इस तरीके से हमारा कुछ घर दिखता है बाहर का है ये बाहर का एरिया है ये तो और यहाँ पे इस तरीके से ऊपर चैनल मतलब ये जो है हमारे घर की तरफ का है और हमारे घर में ना छत नहीं है हमारे घर में सिर्फ सीलिंग है अच्छा हमारे रूम के नाम भी है जो सामने वाला जो दिख रहा है ना आपको ए के नीचे वाला रूम वो मेरे दादा का और उसके बाजू वाला है ना वो थर्ड वाला रूम है और ये जो पर्पल आपको दरवाज़ा दिख रहा है ना ये फर्स्ट वाला रूम है और जो हमारा किचन वाला रूम है ना सेकेंड वाला रूम है तो इस तरीके से हम लोगों ने ना नाम रखे हुए क्यों नाम रखे हुए इसकी वजह यह है क्योंकि कोई भी रूम में क्या है क्या रखा है तो बताना होता है ना कि यह रूम में है रखा हुआ तो इस वजह से और मैं भी आपको इसलिए बता रही क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ कि ये रूम में ऐसा रखा वो रूम में ये रखा हुआ और वो रूम में ये ऐसा वैसे बताऊँ तो फिर आपको भी समझ में आए ना इस वजह से और ये वाला जो रूम है हमारा स्टार्टिंग है और यहाँ पे इस तरीके से कुछ है हमारा यहाँ पे बल्फ लगा सकते बल्फ है नहीं और यहाँ से हमारी एंट्री होती है तो ये पर्दा जो है ये फर्स्ट रूम है और मतलब ये फर्स्ट नहीं ये सेकंड वाला अच्छा ये भी मैं आपको बता देती हूँ ये दो रूम में ही हम रहते थे एक पर्पल दरवाज़ा जो आपको नज़र आया और एक मरून पर्दा जो है ना ये ही दो रूम में रहते थे और ये वाला दादा वाला रूम इसमें दादा रहते थे और ये रूम जो है उसके बाजू वाला थर्ड वाला जो रूम है वो बना ही नहीं था अभी उसको बन के कुछ तीन साल हुए हैं तो ये परवल वाला दरवाज़ा और जो पर्दा रखा है वो लगा है ना वहाँ पे वो दो रूम में ही हम लोग रहते थे तो आप सोच रहे हैं कि वहाँ किचन क्यों है देखो वहाँ खिड़की भी है और ये दरवाज़ा हम लोग हमेशा बंद रखते हैं क्योंकि इस इस तरफ हम पलंग रखते हैं तो ये वाला जो रूम है मेरे पापा मम्मी का रूम है और यहाँ ये रूम की खिड़की है मतलब जो रूम में हर रूम में खिड़की है तो उसके बाजू में दरवाजे के बाजू में खिड़की और ये वाला रूम जो है हम लोग का है अब यहाँ से एंट्री होते ही हमारा घर की एंट्री हुई है यहाँ पर और इस तरीके से कुछ हमारा घर है तो आप सोच रहे हैं कि ये रूम में किचन क्यों है एंट्री में क्यों किचन है तो यहाँ पे पहले हम लोग थे तो यही दो रूम था तो इसी में पहले यहाँ पे ही किचन था और फिर जब वो रूम बने ना तो ये किचन हमारा ये किचन को बनके कुछ चार पाँच साल हुए पुराने मतलब मॉडुलर थोड़ा बनाए हमने पहले जो था ओल्ड था तो उसको मॉड्यूलर करें तो उसको बना के टाइम नहीं होता तो इस वजह से फिर हम लोग ने वो भी चेंज नहीं करे और एंट्री पे कुछ इस तरीके वो जो खिड़की बताई आपको वहाँ ए सी थी वहाँ से ए सी निकाल दिए तो उसको पैक करके रखे है और दरवाज़े पर मैंने नाल एंड पाक लगाई हूँ और उसके ऊपर जो है बिसमान रहीम लिखा हुआ है और ये कलर हुआ हमारे रूम में और इस तरीके से कुछ दिखता अब दरवाजे को लगती ही एक बड़ा सा टेबल है उसके ऊपर हमने ओवन रखे हैं और जो टेबल के अंदर है ना क्रॉकरी वगैरह रखते जो डेली यूज़ में बर्तन नहीं होते ना वो रखे और ऊपर एकदम प्लेन है अच्छा आपको एक और बात आपने नोटिस करेंगे हमारे घर में ज़्यादा फ्रेम नहीं है और जो भी फ्रेम है ना तो वो मतलब गिफ्ट मिली हुई है तो बस इतनी ही है फिर फ्रेम हमारे घर में तो मेरे पापा का सा मानना है कि अगर उसमें एक बीती से भी धूल बैठ जाए ना तो उस पर अच्छी बात नहीं है तो उसको हम लोग मतलब साफ रखते हैं और जो भी लगे हैं वो गिफ्ट मिले अब गिफ्ट को मना नहीं कर सकते ना इस वजह से फिर हमने लगा दी है और इस तरीके से एंट्री में मतलब बाजू में आईना है खिड़की है इस तरीके से और ये खिड़की जो है हमारी बाहर की तरफ जो आपको दिख रही थी वो है और मेरा ट्राईपड भी इधर ही लटका हुआ रहता है क्योंकि नीचे रहते हैं ना तो फिर जो बच्चे आते जाते हैं ना तो उसको ना ऊपर नीचे ऊपर नीचे खोल बंद करते हैं ना तो फिर वो लूज़ हो जाता है तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ एक चेयर रखी रहती है और ऊपर तरफ ये कलर हुआ है हमारे मतलब वॉल पे ये कलर है पूरा प्लेन है अच्छा ये वाले रूम में ना हमारा कॉम्बिनेशन ये है डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन चॉकलेट कलर लाइट ब्राउन और ये कलर है तो पूरा आपको यही नज़र आ रहा रहेगा तो ये हमारी फ्रिज है फ्रिज के बाजू में हमारा किचन टेबल मतलब वो स्टैंड है जिसमें हम बर्तन रखते हैं उसके नीचे वॉश बेसन है ताकि धो के डायरेक्ट ऊपर लगा ले और नीचे कैबिनेट्स है जो डो ड्रॉ है मसाले के डब्बे तपेली वगैरह जो एक्स्ट्रा बर्तन है न, वो सब नीचे रखते यहाँ पर एक गैस से और ऊपर तरफ हमने ऐसा कुछ हैंग करे हुए हैं थरमास रखा हुआ है और ऊपर तरफ मैंने स्टीकर लगाई हूँ और यहाँ पे इस तरफ़ आएंगे तो मसाले के डब्बे रखे हुए हैं रोटी का डब्बा रखा है खड़े गरम मसाले के ऊपर डब्बा रखा है तो इस तरीके से कुछ हमारा किचन है ये देख सकते हो आप यहाँ पे तो यहाँ पे जो मसाले के डब्बे हैं ना हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर ये सब रखा है यहाँ स्टैंड है ऊपर एक कप सचा का सेट रखे हैं यहाँ पे झाड़ है प्लांट है और इस तरीके से कुछ हमारा किचन है यहाँ पे हाथ धोने वाला साबुन रखने वाला भी रखे हैं और कुछ मैंने डेकोरेशन करी थी कैसे करी थी क्या करी थी मैंने उसकी सेपरेट एक वीडियो बनाई हूँ तो आप चेक कर सकते हो होम टूर प्ले होम टूर होम मेक वर, ये सब वीडियो मतलब प्ले बनाई हूँ उसके अंदर मैंने सब ऐड करी हूँ मेरे घर के रिलेटेड आपको कुछ भी जानना है ना तो वो प्ले में जा आप देख सकते हो और ये टाइल्स को भी जो है ना कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है दो हज़ार उन्नीस में ये कुछ टाइल्स हमारी चेंज हुई है इससे पहले भी अलग चे... अलग थी हमारे घर की टाइल्स ये और इस तरीके से ये कुछ मेरा रूम है ये मेरा किचन वाला रूम है तो ये वाला सेकंड वाला ये तो किचन वाला रूम भी बोलते हैं हम या तो फिर सेकंड वाला रूम भी बोलते हैं तो इस तरीके से हम मतलब बताते कि ऐसा है ये वाले रूम में है वो वाले रूम में तो इस वजह से तो आपको भी मैं इसलिए बता रही ताकि आप भी कंफ्यूज ना और ये वाला जो दरवाज़ा नजर आ रहा है ना ये वाले दरवाज़े के अंदर जो रूम है वो मेरे पापा मम्मी का रूम है जिसमें वो रहते हैं तो यहाँ पर एंट्री में ही आ, मतलब ये एंट्री हुई यहाँ पे साइड में ही पलंग रखा हुआ है और जो दरवाज़ा नजर आ रहा है आपको वहाँ पे वॉशरूम है और सामने ही हमारे मेरी पापा मम्मी का कबाड है ये कबाड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहले हम सब रहते थे तो मम्मी का जो कबाट है उसमें हम मेरा मेरी बहन का मप, रेहान का और मेरी मम्मी का हम लोग तीनों का रहता था और इस वजह से दो कबाट ऐसे ही रखे मतलब पहले पहले ये दो रूम है ना ऐसे ही आपको मिलेंगे मतलब जैसा हमारा पहले हम रखते थे ना इसकी ये दो रूम के अंदर बिल्कुल भी चेंजेस नहीं लगाया क्योंकि आदत हो जाती है ना चीज़ें रहने चेंज हो जाता तो अच्छा नहीं लगता और फिर यहाँ पे एक खिड़की है पल बेड है और यहाँ पे एक टी वी टी वी लगा उसके बाजू में एक छोटा सा कबाट है जिसके अंदर हम रखते हैं पाउडर वगैरह तेल और ये छोटा सा जो कबाड़ आपको नजर आ रहा होएगा ना तो इसके अंदर हम बेड शीट रखते हैं कंबले रखते हैं जैसे चद्दर वगैरह रखते हैं डेली मतलब उसके अंदर मिल जाए फ़ौर से यहाँ पे इस तरीके से पर्दा लगे हुए है। हैं ऊपर जो है हमारे वो है सूटकेस वगैरह उसको कवर करके रखे हैं इस तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर तरफ सिर्फ ए और खिड़की वो है घड़ी है फिर उसके नीचे ही दरवाजा है तो वो है वॉशरूम का तो ये हमारा रेनोवेट हुआ है बाथरूम दो बाथरूम रेनोवेट हुए हैं और कलर सब रूम में लगा है क्योंकि हमारे घर में साइक्लोन आया था तो थर्ड वाला जो रूम है उसका जो बहुत बुरा हाल हो गया था तो उसको भी रीनोवेट कराए थे और ये जो हमारा वॉशरूम है ये थोड़ा सा झलक आपको दिखा देती हूँ मैं इस तरीके से कुछ हमारा वॉशरूम पहले चेंज था अब चेंज हो गया है और इस तरीके से कुछ बाथरूम है हमारा वॉशरूम और ऐसा ही है हमारा वॉशरूम पहले अलग था अब अलग है तो ये मेरे पापा मम्मी का जो रूम है इधर कुछ ऐसा है और ज़्यादा आपको डेकोरेशन के सामान नहीं दिखेंगे सिर्फ मेरे किचन में दिखेंगे क्योंकि मैं किचन में एक्चुअल में ज़्यादा रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मुझे वो और सजाना चाहिए और दूसरा ये है कि मेरे पापा को इतना पसंद नहीं आता मतलब ऐसा लगता है कि जितना सामान है उतनी धूल होगी इस वजह से हम लोग जो है ज़्यादा सजाते नहीं हैं घर को जो है फ्रेम वगैरह जो लगे हुए बस वही लगे हुए हैं बाकी कुछ भी स्टिकर वगैरह कुछ भी नहीं लगाए मैं ज़्यादा ना मैं अपने किचन में कर लेती हूँ ताकि पापा को ऐसा लगे नहीं कि और वो, वो किचन जो है वॉश होते रहते हैं ना धूल मट्टी से होते रहते साफ धूल मट्टी तो खैर नहीं होता है पर वो ना क्लीन होते रहते किचन और जो फ्रेम है उस पर ध्यान देना पड़ता है बस तो प्पा का ऐसा है कि जितना तुम खाली रखो उतनी धूल मट्टी नहीं होगी ये होता है कि हो जाती है धूल मट्टी पर उन चीज़ों पर धूल मट्टी नहीं होना चाहिए जो फ्रेम वगैरह है उन पर धूल मट्टी नहीं होना चाहिए तो अब मैं आपसे शेयर करूँगी ये वाले रूम्स तो ये वाले रूम अभी मैं पहले शेयर कर रही हूँ आपसे ये थर्ड वाला रूम है जो इसको बन के सिर्फ तीन या चार तीन चार साल भी नहीं हुएंगे तीन साल हो गया हाँ तो एंट्री में हमारा कुछ इस तरीके से है और एंट्री हमारी इस तरीके से है मतलब दरवाज़ा है और एक स्ट्रैप उतरना है फिर मतलब ऊंचाई पे है थोड़ा तो एक स्टेप रखे हैं और यहाँ पे साइड में ही बोर्ड रखा है ताकि जाते टाइम आते टाइम लाइट वगैरह चालू रखे और पूरा प्लेन है हमारी वॉल पूरी प्लेन है और पहले ना मेरी बहन ने ये रूम में वो भी करी थी पेंट वगैरह तो वो भी नहीं था कि पापा को ऐसा था कि वो भी नहीं रहना चाहिए एकदम सिंपल प्लेन मेन है ना पापा को मेन ये है कि पूरी सिंपल प्लेन वॉल हो तो ही अच्छा है और जो ये फ्रेम है ना आपको नज़र आ रही होगी तो वो फ्रेम है ना शादी का कार्ड है तो उस फ्रेम में मतलब उसको मैंने फिर टंगा दी हैंग कर दी हूँ और ये रूम में ना ऊपर फैन है लाइट है एसी है और इस तरीके से कुछ कलर है मतलब ज़्यादा आपको मेरे रूम में कुछ डेकोरेशन देखने नहीं मिलेगा और दो बेड को एक जॉइन करे हुए उसके बाजू में और टेबल है फिर उसके बाजू में फ्रिज है छोटी फ्रिज है तई मैंने क्यों ली थी क्या ली थी मैंने आपसे सब शेयर करी थी वो सब शेयर करी थी और ये जो कबड़ है पुराना है और ये ट्राईपोड रखा हुआ ये ट्राईपोड उसका है रिंग लाइट है ये और उसके ऊपर है ना मैंने मेरे डेकोरेशन का जो सामान है ना ऊपर तरफ रखी हु और टाकी है ऐसा कुछ सामान हमने रखे हैं और बस ये यही हमारा जो घर ये है तीसरा वाला रूम और एक सिलाई मशीन रखी हुई है और ये टेबल है जहाँ ज़्यादातर मेरी बहन जो है मेहंदी की वीडियो वगैरह बनाने के लिए यूज़ करती है मेहंदी लगाने के लिए यूज़ करती है फिर उसके बाद यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से हमारे घर के पास नज़ारा है और यहाँ पे वॉशरूम है बस ये ये वॉशरूम है ये रूम में तो हर रूम में हमारे घर में वॉशरूम में सिवाय किचन वाले रूम में नहीं है और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सामान रखे जैसे ये पोछा पोछने वाला है और यहाँ पे पेन का स्टैंड है और यहाँ पे भी खिड़की है यहाँ से भी माशाल्लाह बहुत अच्छा नज़ारा वही नज़ारा है जो वहाँ से दिखाई थी मैंने आपको वही नज़ारा है तो ये सब नज़ारा देख के बहुत अच्छा लगता है दिन एकदम अच्छे गुजरते हमारे यहाँ चक्री वायर भी रखे ताकि अगर यहाँ बैठे हैं तो मोबाइल चार्जिंग वगैरह पे लगा देवे यहाँ पे भी खिड़की यहाँ पे तीन तीन खिड़की तो ये रूम में माशाल्लाह से उजाला बहुत आता है और बस इसी तरीके से कुछ रूम है और हम यहाँ पे ना पर्दा लगाने के खिलने भी ठुक के रखे पर बाज़ार जाना होगा तब ना लाएँगे बाजार जाना हो ही नहीं रहा है और चार बजे तक हमारे यहाँ खुला रह रहा है उसके बाद बंद हो जा रहा है सब तो खाना पीना पकाए तक के खाए तक के चार बज जाते फिर जाना होता ही नहीं है और ये वॉल पे भी कुछ भी नहीं है सिर्फ प्लेन 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 ही नज़र आएगा आपको और ये बेड है जहाँ हम ज़्यादातर नाश्ता करते और साथ ही में मैंने ये भी रख दी हूँ अभी अभी हमारा जो रूम वग़ैरह जो भी क्ली काम हो रहा था तो उसमें मैंने डब्बा निकाल दिया और ये मम्मी के सारे पुराने बर्तन हैं इसके सेपरेट वीडियो बनाई आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो सके तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो इस तरीके से कुछ रूम है मेरा ये वाला मैंने बहुत बार आपसे शेयर करी हूँ ईद ईद वाले दिन भी शेयर करी क्योंकि डेकोरेशन करती हूँ इस वजह से अब आते हैं ये वाले रूम ये दोनों रूम पर्दे हट जाते हैं तो एकदम बाजू बाजू में रूम है हमारे और ये रूम में ना कारपेट भी लगा है वो रूम में कलर और ऊपर की सीलिंग बनी थी थर्ड वाले रूम में और ये वाले रूम में कलर भी लगा कारपेट भी लगा वॉशरूम का भी काम हुआ है तो इस तरीके से कुछ हमारा रूम है थोड़ा सा पर्दा जो है खसक गया है उसके लिए लकड़ी लेना पड़ेगा और उसको सही करना पड़ेगा और यहाँ पे एक बेड है वॉशिंग मशीन है जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन जो है बहुत अच्छी ये है कि सिर्फ उसमें पानी ज़्यादा लगता है और ये रूम में भी इस तरीके से फ्रेम और ये रूम में फ्रेम है ना मेरे दादा ने लगाए थे तो वही लगे हुए हैं और यहाँ पे एसी है और यहाँ पे एक कबर्ड है और यहाँ पे जो खिड़की आपको नज़र आ रही है विंडो तो वो जो विंडो है पहले थी और वहाँ पर रूम मैं बोली ना ज़्यादा बन के टाइम नहीं हुआ तो फिर वो पैक कर दिए रूम बना तो और बस ये और ये जो टेबल आपको नज़र आ रहा है ना तो उसके अंदर मेरी बहन का स्टफ़ रखा रहता है मेहंदी का और ये वॉल पे आ जाएंगे तो खिड़की जो मैंने पर्दे से ढाक के रखी कि उजाला आता है ना इस वजह से इस तरीके से हमारा रूम है और कैसा लगा मेरा घर कैसे लगे मेरे घर के कलर वगैरह और ये वॉशरूम में ना थोड़ा काम बचा हुआ है इसको स्किप करके रखें इसको नेक्स्ट के नेक्स्ट मंथ में कब होता है गीज़र वगैरह लगाना है और बस ये सब थोड़ा बहुत काम है ये एक बाथरूम में इसको रोक के रखे हुए है। हैं और यहाँ पे एक बेड है उसके ऊपर जो पर्दा दिख रहा है उसके तरफ है ना वहाँ पे चिराग रोशन होता है गुस्से पाक के नाम से तो वहाँ पे हम चिराग रोशन करते तो उसको पर्दे में ही करना पड़ता है तो इस तरीके से मेरे पूरे रूम है और कैसे लगे मेरा रूम ज़रूर से बताना इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ अल्लाह हाफिज़ बाय